नाला सेल के मजदूरों की मजबूरी और भी बढ़ा दिया। मजदूरों का धरना प्रदर्शन लेना अब आंदोलन का रूप हो गया है। लॉकडाउन के दौरान हाजिरी न बनाए जाने को लेकर चासनाला के मजदूरों का धरना प्रदर्शन रामनगर कोलियरी में टीएमसी के बैनर तले चल रहा है। आखिरकार इसी दौरान रामनगर कोलियरी के जीएम श्री टी के रॉय एवं पर्सनल ऑफिसर अनिल कुमार के साथ टीएमसी युवा नेता अरमान खान, टीएमसी नेता बुढ़ा खान, गणेश मंडल एवं मजदूरों की एक बैठक हुई। बैठक में रामनगर कोलियरी के जीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि चासनाला के मजदूरों की हाजिरी हम रामनगर कोलियरी में नहीं बना सकते क्योंकि चासनाला के जीएम ने हमें आज्ञा नहीं दिया है। बैठक समाप्त होने के बाद मजदूरों ने जीएम के खिलाफ नारेबाजी किया। इसी दौरान अरमान खान ने कहा हमारा प्रदर्शन अब और भी मजबूती के साथ होगा। वहीं बुढ़ा खान ने बताया कि जीएम का मजदूरों के प्रति यह रवैया बहुत ही बुरा है। रामनगर कोलियरी अधिकांश मजदूरों के जमीन का हिस्सा है, आज उन्हें ही उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। अब यह धरना प्रदर्शन एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। वहीं गणेश मंडल ने बताया कि जीएम चाहे तो चासनाला के मजदूरों की हाजिरी रामनगर कोलियरी में बन सकता है, लेकिन रामनगर और चासनाला के जीएम की सोची समझी साजिश है जिस वजह से मजदूरों की हाजिरी नहीं बन पा रही है। আপনি তোর জিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বললেন সিলেট, কি বললো জিএম সাহেব? দেখুন জিএম সাহেব রামনগরের জিএম, আমাদের এখানকার যে ওয়ার্কার আছে, যে স্থানীয় ওয়ার্কার, যে জমি দিয়েছে, যার জমিতে আজ কেন্দ্রে এখানে রাজ্য করছে, টাকা কামাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে, আজ সেই মজুরির কোনো ভ্যালুয়েশন নেই। জিএম সাহেব ক্লিয়ার বলছে কি আপনারা চাষ জানাল ওইখানে হাজিরি করতে হবে, কিন্তু আমাদের বক্তব্য একদিকে স্টেট, একদিকে ঝাড়খণ্ড সরকার, এখানে বর্ডার এলাকা, যখন মজুররা যেতে পারবে না এখান থেকে চাষনালা, তাহলে চাষনালা যাবে কি করে? ওইখানে গেলে বহুত রকম ফাংশন, বহুত রকম প্রসেসে যেতে হচ্ছে, আমাদের মজুর এখানে যেতে পারছে না। এবার আমাদের বক্তব্য একটাই আছে কি আমাদের যে এখানে এখানকার যে বাসিন্দা আছে, আমাদের এখানে হাজিরিটা হোক। এখন তো কোনো ফাইনাল কথা হয় না। জিএম সাহেব চাষনালা যে বড় অধিকারী আছে ওনার সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু ওইখানে সাফ বলে দিয়েছে কি মজদুরকে আমাদের ওইখানে চাষনালা